6 महीने से आंदोलन कर रहे अप्रेंटिस संघ ने किया कोयला भवन के गेट को जाम। डीपी से सकारात्मक वार्ता के बाद आंदोलन स्थगित। बीसीसीएल एवं उसके आउटसोर्सिंग कंपनियों में नियोजन अथवा समायोजन की मांग को लेकर पिछले 6 महीने से आंदोलन कर रहे अप्रेंटिस संघ के लोगों को अब राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। इससे पूर्व सोमवार को कोयला भवन मुख्यालय के समक्ष अप्रेंटिस संघ ने सड़क जाम करने की कोशिश की, लेकिन वहां सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ के जवानों से उनकी धक्का मुक्की हो गई। बाद में आंदोलन कर रहे युवाओं की वार्ता कंपनी के डीपी से हुई। वार्ता में तय हुआ कि सभी अप्रेंटिस प्राप्त युवाओं को समायोजित किया जाएगा, जिसके बाद आंदोलन स्थगित कर दिया गया। मीडिया से बात करते हुए आंदोलन के संयोजक ने बताया कि पिछले 6 महीने से लगातार आंदोलन चल रहा था। कई दफा उनके द्वारा बीसीसीएल मुख्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया गया, बावजूद प्रबंधन ने कोई सार्थक पहल नहीं की, लेकिन आज कोयला भवन के गेट को जाम किया तो सीआईएसएफ के जवानों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इस बीच हल्की नोकझोंक हुई। बाद में डायरेक्टर पर्सनल से वार्ता के बाद सकारात्मक पहल की उम्मीद दिख रही है, जिसके बाद आंदोलन स्थगित कर दिया गया। डायरेक्टर पर्सनल से हम लोग का बात हुआ, बहुत सकारात्मक बात रहा और उन्होंने हमसे सारे बेरोजगार नौजवानों का लिस्ट मांगा है। हम लिस्ट बना करके 1 से 2 दिनों में सारा लिस्ट उनको दे देंगे और उन्होंने आश्वस्त किया कि 14 आउटसोर्सिंग कंपनियों में थोड़ा थोड़ा कर करके सबको एडजस्ट कराया जाएगा। अगर वो नहीं कराते हैं तो पूरा हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। ये हम लोग ने डीपी बता दिया, हमको पूरा विश्वास है ये जो डीपी आया है बहुत ईमानदारी से काम करेगा, नहीं करेगा तो फिर हम लोग डिपार्टमेंट काम करेंगे और ये लड़ाई सिर्फ यहीं तक नहीं रहेगी, दिल्ली तक जाएगी। ये धरना आज खत्म हो गया। हाँ, धरना आज हम रिक्वेस्ट, हमारे रिक्वेस्ट सारे मैंने अधिकारियों के रिक्वेस्ट पर हमने अपने साथियों से, नौजवानों से रिक्वेस्ट किया और आज हम धरना समाप्त कराने का इन लोगों से आग्रह किए। लोग स्वीकार भी कर रहे हैं और उसके बाद ये लड़ाई अब इन लोगों की लड़ाई नहीं, ये हमारी लड़ाई है, जिला कांग्रेस कमेटी की लड़ाई है। ये लड़ाई जब तक इन लोगों को रोजगार मुहैया नहीं होगी हमारे जारी रहेगा, लेकिन आज हम लोग धरना को समाप्त करते हैं। 176 दिनों से हम लोग आंदोलनरत हैं कोयला भवन के बाहर। क्या मांगे आप लोग? मांग ये है कि हम लोग बीसीसीएल से प्रशिक्षित छात्र हैं जो 1 वर्ष अप्रेंटिस प्रशिक्षण पूरा किए हैं और बीसीसीएल से कंपनी अंतर्गत चल रहे आउटसोर्सिंग कंपनियों में रोजगार मांग रहे हैं और कंपनी से काफ़ी दिन से हम लोगों का वार्ता हो रहा था, लेकिन वार्ता में कोई सकारात्मक परिणाम जो है इसमें सुनिए रहा, तो जिसको लेके आज हम लोग कांग्रेस पार्टी के बैनर तले आज हम लोग गेट जाम आज हम लोग कार्यक्रम किए। इसी बीच जो है कंपनी के जो डायरेक्टर पर्सनल हैं उनसे हमारा मीटिंग आयोजित हुई जो संतोष सिंह जी के नेतृत्व में हुई और उसमें जो है डीपी साहब ने साफ तौर पे कहा कि आप हमको लिस्ट आप दीजिए, हम कुछ दिन के अंदर जो है सभी लड़कों को मैं रोजगार मुहैया करा दूंगा। ये डीपी साहब? हाँ, लेकिन आज आप आंदोलन को समाप्त कीजिए और दोबारा आप आंदोलन, अगर आपकी मांग पूरा नहीं होती है तो आप करने के लिए आंदोलन फिर से स्वतंत्र है। मैंने आज आप आंदोलन स्थगित कर रहे हैं? जी, मैंने समाप्त कर रहे हैं जी। कितने कितने है कैंडिडेट आप लोग? 350 के लोग। क्या बोला डीपी साहब? बोले कि जो भी आउटसोर्सिंग कंपनी है उसको मैं जो है आपका लिस्ट के माध्यम से मैं सभी को सूचित करूंगा और बैठक में मैं अनुशंसा करूंगा कि इन सभी लोगों को जो है आग्रह पूर्वक जो है आप सभी इनका नेतृत्व में गए थे मिलने के लिए? संतोष कुमार सिंह जी, मयूर शेखर झा जी, अभिजीत राज जी और इंटक के भी पदाधिकारी लोग थे, NSUI भी थे। चलिए, आपका नाम क्या है? सूरज कुमार हुआ। चलिए सूरज, कुछ रिलीज हो रहा है?